फ्रेंड्स राइट इन्फॉर्मेशन के साथ और रियल वीडियो लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस का जो CSP कहे या BC कहे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, तो अगर आपको एक ID लेना है तो आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई करके ले सकते हो। जो पहले ऑफलाइन था, ऑनलाइन का कोई भी जरिया नहीं था, लेकिन अभी आप ऑनलाइन ही कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको पता लग गया है कि BC क्या है, एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है। जो आपको अगर सिंपली बताऊं तो जो CSP रहता है, कस्टमर सर्विस पॉइंट, जो आपको दिखा होगा कि जो SBI का बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी CSP रहता है गांव-गांव में, छोटा-छोटा मतलब बैंक जैसा रहता है जिसमें पैसा आप लेन देन वगैरह करते हो, तो वही है पोस्ट ऑफिस के अंडर में। पोस्ट ऑफिस भी एक पेमेंट बैंक है आपको पता है। तो पोस्ट ऑफिस के अंडर में आपको एक BC या CSP दिया जाएगा अगर आप अप्लाई करते हो ऑनलाइन तरीके से। तो ऑनलाइन तरीका आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको BC मिल जाता है और BC मिलने के बाद फिर आप आधार कार्ड के भी काम कर सकते हो। जैसे कि आपको आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक करना, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करना, आधार कार्ड में नेम करेक्शन करना, आधार कार्ड में फोटो करेक्शन करना, यानी आधार कार्ड का भी काम आप कर सकते हो अगर आपको BC मिल जाता है। पहले तो आपको BC के लिए अप्लाई करना है ऑनलाइन, तो आज इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट तक देखना है, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। तो फ्रेंड्स चलिए आज का जो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट में आना होगा। तो इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसमें क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हो। तो इस वेबसाइट में आने के बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, लेकिन इधर आप देख सकते हो कि सर्विस रिक्वेस्ट, तो सर्विस रिक्वेस्ट के अंडर में आपको मिलेगा नॉन IPPB कस्टमर्स, तो इसी ऑप्शन में क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको देखिए इसमें तीन ऑप्शन मिलेगा, तीन में से जो लास्ट वाला ऑप्शन है पार्टनरशिप विथ अस, जो डोर स्टेप बैंकिंग जनरल इंक्वायरीज, इसमें आपको नहीं करना है। पार्टनरशिप विथ अस का जो ऑप्शन है नीचे वाला थर्ड नंबर, तो इसी ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड जब आप इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही आपको इस टाइप से एक फॉर्म शो हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इस टाइप से फॉर्म शो होगा। तो इसमें सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म पार्टनरशिप विथ अस, और इसमें आपको देखिए ये जो फॉर्म है इसी फॉर्म को आपको फिल करना है। और इसमें आपको ऊपर देख सकते हो कि चार ऑप्शन दिया गया है। इसमें जो इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का है यानी इंडिविजुअल VC, तो इसी ऑप्शन में आपको टिक कर देना है। तो टिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको इस टाइप से इस फॉर्म को फिल करना है, जिसमें आपको सैल्यूटेशन में आपको मिस्टर मिसेज जो भी आपको रखना है रखिए, फिर आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब आपको टाइप कर देना है, फिर आपका मोबाइल नंबर टाइप कर देना है, ईमेल आईडी टाइप कर देना है, फिर आपको एड्रेस। तो फ्रेंड्स देखिए, जो भी एड्रेस आप इधर टाइप करेंगे उस एड्रेस में पहले से ही पोस्ट ऑफिस का कोई भी BC या CSP नहीं रहना चाहिए, अगर रहेगा तो आपको नहीं मिलेगा, आप ही फर्स्ट बंदा होना चाहिए। तो इसमें आपका जो एड्रेस है एड्रेस को टाइप कर देना है, जो भी है मतलब पिन कोड वगैरह सब कुछ आपको टाइप कर देना है। फिर इधर आप देख सकते हो कि एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, तो अगर आपको कुछ डिटेल्स देना है तो डिटेल्स में आप क्या दे सकते हो, देखिए आपका एरिया में कितना लोग है, कितना एरिया तक आपका जो BC देगा वो काम करेगा, तो ये सब आप इसमें डिटेल्स दे सकते हो कि हाँ मेरा जो एरिया है, एरिया में इतना आबादी है और इतना किलोमीटर रेडियस तक ये काम करेगा, तो ये सब आप डिटेल्स इधर दे सकते हो। देने के बाद फिर देखिए इसमें जो टिक बॉक्स है टिक बॉक्स में टिक कर देना है, फिर जो कैप्सा है कैप्सा को इधर टाइप करके फिर आपको सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद आपका जो फॉर्म है फॉर्म जाएगा जो आपका डिस्ट्रिक्ट का हेड ऑफिस है पोस्ट ऑफिस का, उसमें जाएगा। तो जाने के बाद उसमें वेरिफिकेशन वगैरह होगा कि आपका एरिया में कोई पहले से ही CSP है या नहीं, मतलब पोस्ट ऑफिस का CSP है या नहीं, तो वेरिफिकेशन वगैरह होगा। तो होने के बाद फिर आपका जो फ़ोन नंबर इधर देंगे उसमें कॉल करेगा, कॉल करके आपका डिटेल्स वगैरह फिर आपको पूछेगा, या आपको जो ब्रांच है ब्रांच में जाने के लिए देगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेगा। तो देखने के बाद ही आपको CSP यानी BC मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपका मतलब आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका कॉल नहीं आया, तो आपको क्या करना है, अगर कॉल नहीं आता है तो आपका जो ब्रांच है आपको पता ही लग जाएगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट का जो पोस्ट ऑफिस का कौन सा ब्रांच है हेड ब्रांच, तो उसमें आपको जाना है, जाके आपको बताना है कि मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया था और सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया था और मेरा एरिया में कोई भी BC या CSP नहीं है, तो मेरे को अभी तक कॉल नहीं गया, तो इसका आगे क्या प्रोसेस होगा, क्या होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब वो डिटेल्स आपको बता देगा। अगर आपका एरिया में कोई भी BC नहीं है तो जो भी प्रोसेस है प्रोसेस करवा के आपको एक BC के लिए मतलब अप्रूव करवा के दे देगा।
तो फ्रेंड्स यही है प्रोसेस। तो अगर आपको एक बीसी या सीएसपी के लिए अप्लाई करना है तो आप इसी तरह से अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।